Welcome students to the virtual class of English. Today we will do the address by Marga Minko. Yes, by Marga Minko. Student, this is very interesting story. In this story, the narrator herself didn't want to go on the address 46 Marconi Street. The whole story revolves round the single address 46 Marconi Street. Actually, narrator की mother नहीं रहती उस तो वो narrator को एक बार कह के गई होती हैं कि उनकी belongings सब के सब Mrs. Darling के पास हैं. तो narrator अपनी माँ की चीज़ें और अपनी belongings से sentimentally attach होने के करके Mrs. डॉर्लिंग का घर जो कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे है वहाँ दो बार जाती है. एक बार तो वो पहचानने से इनकार कर देती हैं मिसेस डॉर्लिंग, दूसरी बार उनकी बेटी उनका वेलकम करती है लेकिन सामान फिर भी नहीं मिलता. नरेटर अपने ही सामान को वहाँ अनफेमिलियर सराउंडिंग में देखकर बहुत परेशान हो जाती है. बहुत ही टेस्टलेस और बेकार तरीके से सामान को रखा होता है. वो अपनी चीज़ों को अपना कह भी नहीं पाती. और कुछ यादें उस लेडी ने, मिसेस डॉर्लिंग ने, फर्स्ट मीट में जब उसने देखा तो उसकी मदर का ग्रीन कार्डिगन पहना हुआ था. नरेटर को विश्वास हो गया कि वो सही घर में आई है. उसके बाद जब वो अपनी सिल्वर कटलरी देखती है, एक आयरन बर्न मार्क, प्रेस का जले हुए का निशान वाला टेबल क्लॉथ देखा, उसे देखकर भी उसे अपनी चीज़ों की पहचान हो गई कि ये तो हमारी चीज़ें ही हैं. एक्चुअली हर चीज़ में उसे वो महसूस हो रही थी वो चीज़ कि वो उनकी अपनी है, लेकिन वो अनफेमिलियर सराउंडिंग में होने करके वो उसे अपना भी नहीं कह सकती थी. अंत में नरेटर की ट्रेन का टाइम हो गया था. उसने सोचा कि दोबारा इस घर में विजिट नहीं करेगी और इतने छोटे से किराए के मकान में ये सामान आएगा भी नहीं. लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जैसी लेडीज़ जो दूसरों का सामान रखकर उनका ग्रीडी और एवरीशियस एटीट्यूड शो किया है इस चैप्टर में, और नरेटर एंड में इस एड्रेस को 46 मार्कोनी जो स्ट्रीट है उसको भूलने की कोशिश करती है. लेट्स सी द अदर कंटेंट्स फॉर इन डिटेल टू गेट डिटेल नॉलेज. दिस स्टोरी इज ऑफ अ डॉटर. एक डॉटर की कहानी है जो अपनी माँ की बिलोंगिंग की सर्च में वॉर के बाद जाती है जब हालात ठीक हो गए हैं हॉलैंड में. और पहला विजिट जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर में करती है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मिसेस डॉर्लिंग दरवाजे पे खड़े होकर उसको पहचानने से इनकार कर देती है. लड़की को तब पता लगता है कि वो सही घर में आई है जब वो देखती है कि उसकी माँ का ग्रीन कार्डिगन पहना हुआ है, उस पर वुडन बटन्स लगे हुए हैं और वो धुल धुल कर फेड हो चुका है और वुडन बटन्स भी फेड हो चुके हैं. और लड़की ने जब वो देखा कि वो लेडी उससे पूछ रही है कि मैंने तो सोचा कि कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं रहेगा और तुम आ गए वहाँ से. एक्चुअली वो लेडी ने पहचान तो लिया था कि ये मिसेस एस की डॉटर है, लेकिन लालच होने करके, ग्रीडी और एवरीशियस लेडी थी वो, उसने वो सामान देने की उसकी नीयत नहीं थी, वो नहीं देना चाहती थी, इसलिए शायद उसने नरेटर को पहचानने से इनकार कर दिया, या हम कह सकते हैं इंटेंशनली और डेलिबरेटली रिफ्यूज़ कर दिया उसे पहचानने से. और नरेटर बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि मैं बात करना चाहती हूँ, तो उसने बात करने से भी इनकार कर दिया और आगे के टाइम के लिए उसे बोल दिया. जो इसकी मदर का नाम था नरेटर की, वो मिसेस एस था जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो मिसेस डॉर्लिंग थी 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे रहती थी, जिन्होंने मिसेस एस का और नरेटर की मदर का सामान अपने घर रखा हुआ था. She thought she probably came into the wrong house. शुरू में तो नरेटर को लगा मैं रॉन्ग घर में आई हूँ, लेकिन जब नरेटर ने अपनी माँ का कार्डिगन पहने उस लेडी को देखा, ग्रीन कार्डिगन विद वुडन बटन्स, तो उसे श्योर हो गया कि वो सही घर में आई है. और मोर ओवर उस लेडी के बातचीत करने का तरीका कि तुम लोग आ गए हो, बच गए हो, मैंने तो सोचा कोई नहीं बचेगा या कोई नहीं आएगा, एक्चुअली उससे पता लग रहा था कि वो लेडी उसको जानती है और जानबूझकर इंटेंशनली और डेलिबरेटली रिफ्यूज़ कर रही है उसको
मना कर रही है मिलने से और उसकी किसी भी बात का जवाब देना पसंद नहीं कर रही। ऑथर नाउ नो शी इज इन द करेक्ट हाउस। तो ऑथर को कब पता लगा वो करेक्ट हाउस में है? जब उसने अपनी माँ का कार्डिगन ग्रीन पहने हुए उस मिसेस डॉर्लिंग को, उस लेडी को देखा। मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूजेस टू टॉक विद हर, क्योंकि लालच का परत चढ़ी हुई थी। ग्रीडी और एवरिशियस लेडी थी, अपनी जान पहचान की एक्वाइंटेंस और दूर के रिश्तेदारी में, और आप कह सकते हो अपनी फ्रेंडशिप में, अपनी फ्रेंड की बेटी को घर आने पर भी सामान देना नहीं चाह रही, उसको पहचानने से इनकार कर रही है। ये लालच ही है। ऑथर नोटिसेस समवन लुकिंग फ्रॉम द विंडो। जब ऑथर की और मिसेस डॉर्लिंग की बात हो रही थी तो उन्होंने नोट किया कि कोई ऊपर से विंडो से देखता है और पूछता है कि कौन है। तो उस लेडी ने टालने के लिए बस कह दिया कि मैं देख रही हूँ, कुछ खास जवाब नहीं दिया। तो जिस वजह से ऑथर ने सब नोटिस किया, और सबसे बड़ी बात जो ऑथर ने नोट की उस मकान पे, जो नंबर प्लेट थी वो मिसेस डॉर्लिंग था और मकान का जो एड्रेस था 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये मेन चीज़ ऑथर ने नोटिस की, जो कि उसकी मदर कभी बताया करती थी कि इस एड्रेस पे उसने जाना है और वहाँ से अपनी बिलोंगिंग्स लानी है, जो कि वॉर के टाइम मिसेस डॉर्लिंग उनके घर खुद आ आ के ले गई थी। जब नरेटर छोटी थी तो मिसेस डॉर्लिंग सूटकेस और बहुत से बैग्स भर भर के उनके घर से एंटीक और बढ़िया सामान ले जाती थी और बार बार यही कहती थी कि जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो मैं इसको लौटा दूंगी। और इन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, उन्हें लगा कि ये उनकी हेल्प कर रही है, कि वॉर में तो जब इन्हें किसी भी टाइम घर छोड़ना पड़ सकता है, तो शायद ये सामान जो है वो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, अगर वो मिसेस डॉर्लिंग के पास रहेगा तो शायद सेफ रहेंगे। पर शायद वो गलत थे, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग बहुत ही ग्रीडी और एवरीशियस लेडी यहाँ प्रूव हुई हैं। ऑथर जो है वो अपनी माँ की बातें याद करती है और उसको वो माँ की बातें, दो विज़िट करती है मिसेस डॉर्लिंग के घर पर। पहले विजिट में वो मना कर देती हैं, पहचानने से इनकार कर देती हैं, और फिर कभी मिलने के लिए कहती हैं। उसे शो ही नहीं करती कि वो उसकी माँ को जानती है, उसको जानती है, उसको पहचानने से इनकार कर देती हैं और उसको किसी भी तरीके से एंटर घर में नहीं करने देती। मिसेस डॉर्लिंग को ये डर सताता है कि ये सामान ले जाएगी और वो देने के हक में नहीं है, वो देना ही नहीं चाहती। एक्चुअली सामान नरेटर और मिसेस एस का है, नरेटर की मदर का है, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जैसी लालची और एवरीशियस लेडी उस सामान को देना ही नहीं चाहती। ऑथर अपने पास्ट के बारे में हमें अब बताती है कि पास्ट में किस तरीके से वॉर की सिचुएशन बन गई थी, किस तरीके से उसकी माँ और मिसेस डॉर्लिंग आपस में आती जाती थी, बात करती थी। मिसेस डॉर्लिंग एक ब्रॉड बैक लेडी थी, उनकी बैक बहुत ब्रॉड थी, और उनके घर में आना, सूटकेस भर भर के सामान ले जाना, नेटर बहुत ही छोटी थी जब वो नोट करती थी कि मिसेस डॉर्लिंग का घर में आना जाना बहुत है, तो अपनी माँ से भी पूछा करती थी कि माँ आप मना क्यों नहीं करती। तो माँ का यही जवाब होता था कि वो हमारा भला ही कर रही है, हमारे लिए ही तो सामान लेकर जा रही है, और जब सब सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी तो रिटर्न कर देगी। इस तरीके से आप घर की ये पिक्चर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी नरेटर और मिसेस एस। उनके घर का सारा एंटीक सामान, सब कुछ मिसेस डॉर्लिंग के घर जा चुका है, थोड़ा थोड़ा कर सिल्वर स्पून, कटलरी, एंटीक चीज़ें, बहुत कुछ। जब नरेटर रेलवे स्टेशन पर आती है, ऑथर वाइल्ड थिंकिंग अबाउट हर पास्ट रीचेज द रेलवे स्टेशन। दो बार जाती है उस घर में, रेलवे स्टेशन वो ट्रेन से ही उनके घर पे आती है ऑथर। उसकी ओल्ड मेमोरीज जाते हुए, रास्तों से गुजरते हुए, उन रास्तों से पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाती हैं, उन दिनों की जो बचपन में जितनी उसकी यादें उस तक थीं। ऑथर जो है कुछ पास्ट मेमोरीज और ज़्यादा शेयर करती है, किस तरह से वो लोग इन एंटीक क्रॉकरी में खाना खाया करते थे, किस तरह से उनकी लाइफ थी पास्ट की, और वो सब यादें जो उसकी बिलोंगिंग से जुड़ी हुई थी। और ऑथर की मदर ने कहा था कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर ही जाना, वहाँ मिसेस डॉर्लिंग के पास ही हमारी सारी बिलोंगिंग है। तो नरेटर शुरू से लेके एंड तक इस एड्रेस को नहीं भूली थी, चाहे मिसेस डॉर्लिंग की इंटेंशंस कुछ और रही हों, चाहे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया नरेटर को पहचानने से, लेकिन नरेटर ने ये एड्रेस बिल्कुल नहीं भूला, क्योंकि उसकी मदर ने ये एड्रेस उसे बताया हुआ था।
Author felt afraid to go back as it would revive her old memories. ऑथर शुरू में तो जाना पसंद नहीं कर रही थी उन पुरानी गलियों में, उन जगहों पर जहाँ पे उनकी पुरानी चीज़ें थी, लेकिन अपनी माँ का वादा जो उसने किया था कि वो अपनी बिलोंगिंग्स, क्योंकि हर किसी की अपनी बिलोंगिंग के साथ एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होती है, तो जैसे ऑथर की भी थी, माँ नहीं रही तो माँ की चीज़ों के साथ ही सेंटिमेंटली अटैच थी, तो वो चीज़ों को लेना चाहती थी, अब वो उनके पास जाना चाहती थी, डरती तो थी लेकिन वो गई. ऑथर डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. ऑथर ने दो विजिट किए, जैसे कि मैंने आपको पहला विजिट बताया, पहले में मिसेस डॉर्लिंग ने पहचानने से इनकार कर दिया और बहुत बात करने पर भी, पर ऑथर को सही लगा कि मैं सही घर में आ गई हूँ ग्रीन कार्डिगन को देखकर. अब काफ़ी सोचने के बाद ऑथर दूसरा विजिट कर रही है, और दूसरे विजिट में क्या होता है, 15-16 साल की लड़की जो है मिसेस डॉर्लिंग की, वो वेलकम करती हैं. एक्चुअली मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं मिलती, तो पहले विजिट में तो नरेटर बाहर से ही चली गई थी, तो दूसरे विजिट में उनकी बेटी मिलती है, वो उसे अंदर बुलाती है और बिठाती है. ऑथर फेल्ट हॉरिफाइड एज ऑल हर बिलोंगिंग्स वर डेकोरेटेड देयर इन द लिविंग रूम. ये लिविंग रूम में बिठाती है और वो देखती है कि उनके घर की सब चीज़ें बड़े टेस्टलेस तरीके से, बड़े बेढंग से वहाँ पड़ी हुई हैं. कुछ जिस तरीके से वो सजा सवार के अपने घर को रखते थे और बड़े सिस्टमैटिक और डिसेंसी से रखते थे, वो सब उससे अपोज है, और उन्होंने बिल्कुल ही टेस्टलेस और एक बहुत ही बेकार तरीके से उनकी बिलोंगिंग्स को रखा हुआ है, और इतनी एंटीक और इतनी बढ़िया चीज़ों पे जगह जगह धूल जमी हुई है, डस्ट पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं. तो नरेटर का मन दुखी हो जाता है अपनी बिलोंगिंग्स की ऐसी हालत देख कर. नरेटर बैठती है, वो लड़की उसे चाय भी ऑफ़र करती है, और ये जो गोल्डन इतना सुंदर टी पॉट जो आपको दिख रहा है, इस तरह की ये एंटीक क्रॉकरी जो है, ये भी सब कमरे में पड़ी हुई, वो भी टेस्टलेस और बड़ी बिल्कुल कहते हैं इनडिसेंट वे से पड़ी हुई है. इसी टी पॉट में वो चाय लेकर आती है और नरेटर को ऑफ़र करती है. नरेटर चाय पी लेती है और उसे उसकी माँ तक के आने की वेट करती है कि मिसेस डॉर्लिंग गई हुई हैं, वो आ जाएंगी, आप वेट करो. तो इस तरह से ऑथर को याद आ जाता है ये टी पॉट देख कर कि कैसे वो इसे यूज़ किया करते थे, इस तरह से सिल्वर कटलरी. फिर आपस में बातें करती हैं मिसेस डॉर्लिंग की बेटी और नरेटर. तो उस मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को तो ये भी नहीं पता जितनी सिल्वर क्रॉकरी जो पड़ी हुई है रूम में वो सिल्वर की ही है. एक्चुअली जब नरेटर इस बात को डिस्क्लोज़ करती है कि ये तो सारी सिल्वर क्रॉकरी है, तो वो सुन के हैरान होती है. वो कहती है हम सब यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है, क्योंकि नरेटर को तो सब पता होगा क्योंकि वो उन्हीं की चीज़ें थी. और नरेटर के मन में गूंज और ये बर्तनों की और इन सब चीज़ों का एहसास, पुराने दिनों की यादें आने लग जाती हैं कि किस तरह से वो इन चीज़ों को यूज़ करते थे, पहले इनकी हुआ करती थी और अब वो इन चीज़ों को अपनी भी नहीं कर सकते. अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में पड़ी हैं, अपनी होते हुए भी वो उन्हें अपना ही नहीं कह सकते. किस तरह के लालची और ग्रीडी लोग हैं जो देना ही नहीं चाहते उनकी चीज़ें. इस तरीके से इसका मन नरेटर का दुखी हो जाता है और वो चाहती है कि वो इस 46 मार्कोनी स्ट्रीट के एड्रेस को भूल जाए. वो नहीं याद रखना चाहती ये पुरानी बातें, और नरेटर किसी भी तरीके से इस एड्रेस को नहीं याद रखना चाहती. द नरेटर विजिटेड द सेकेंड टाइम एंड गॉट द वेरी बिटर एक्सपीरियंस दैट टाइम. फर्स्ट टाइम शी मेट विद मिसेस डॉर्लिंग, सेकेंड टाइम हर 15 ईयर ओल्ड डॉटर, एंड शी सॉ हर फैमिली पोजेशन ऑल अराउंड इन द रूम. The girl told her they eaten in those antique plates, wooden tablecloth. Tablecloth देखा जिस पे जो unrepaired था, उस पे burnt mark अभी भी लगा हुआ था. ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी. दोबारा स्टेशन आ जाती है और उसके मन में फिर वही एड्रेस आ जाता है सामने, 46 Marconi Street. और वो डिसाइड करती है, शी रिजॉल्व टू फॉरगेट दिस एड्रेस, क्योंकि इस लाइफ ने, इस एड्रेस ने, 46 Marconi Street ने उसकी लाइफ में बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस फील किए थे. वो इन बिटर एक्सपीरियंस को भुला देना ही पसंद करती है, क्योंकि उन चीज़ों को अपना कहने में, क्योंकि इनमें इन इस एक्सपीरियंस से उसे खुशी नहीं मिली, बहुत परेशान हुई इन लोगों के ट्रीटमेंट से. तो उसने सोचा कि किराए के मकान में इस सामान का क्या इस्तेमाल, तो इस एड्रेस को भूल जाना ही बेटर है. आई होप यू अंडरस्टूड.
Thank you. Catch you very soon with new concepts.